हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, चलिए बनाते हैं आज टॉप रेमन के नूडल्स नए तरीके से। सबसे पहले हम नूडल्स को पानी में बॉईल करने रखेंगे, थोड़ा सा नमक गिर के, और उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम लेंगे एक बाउल में 4 से 5 कलियाँ लहसुन की कटी हुई छोटी छोटी बारीक, और 2 हरी मिर्च कटी हुई छोटी छोटी बारीक तरीके से। और फिर हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स लिया है। और फिर हमने इसमें डाला है ओरिगेनो, ये ओरिगेनो भी हमारा 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून और ऐड कर देंगे हम। और 1 टीस्पून लिया है हमने अजीनोमोटो। और फिर हमने जो टॉप रेमन का जो मसाला है, नूडल्स मसाला, वो इसमें ऐड किया है। तो हम 3 पैकेट बना रहे हैं, तो हमने इसमें 3 पाउच जो है मसाला का ऐड किया है। और अब हम डालेंगे इसमें वाइट वाला विनेगर, तो हमने 3 टीस्पून इसमें वाइट वाला विनेगर ऐड किया है। और फिर हमने उसके बाद डाला इसमें सोया सॉस, सोया सॉस भी हमने इसमें 2 टीस्पून ऐड किया है। और हमने फिर इसको किया है अच्छे से मिक्स, अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसको। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम ऑयल, एकदम उबलता हुआ ऑयल वो इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए। और ये देखिए, ये अच्छा सा इसमें जो है एक अच्छा फ्लेवर आ गया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे नूडल्स ज़्यादा क्वांटिटी में है और जो मसाला है हमारा वो थोड़ा कम है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हमने नमक भी ऐड किया है, थोड़ा सा नमक हमने नूडल्स में भी ऐड किया था बॉईल करते हुए। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे गर्म करके। और ये देखिए, ये हमने इसमें एक पैन में थोड़ा सा गार्लिक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा प्याज जो है इसको हम केवल सौते करेंगे, थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च भी है और थोड़े से टमाटर भी हैं कटे हुए। तो मैंने वेजिटेबल्स कम लिए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने वेजिटेबल्स कम ऐड की हैं। पत्ता गोभी नहीं खाते मेरे बच्चे, तो मैंने उसमें पत्ता गोभी को ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं, और भी वेजिटेबल्स। और मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ भी ऐड किया है। तो अब मैं ये जो सौते की हुई सब्जियां हैं, इनको सबको मैं मसाले में ऐड करूँगी और फिर इनको मैं मिक्स कर दूँगी एक बार फिर से। तो ये देखिए, मैंने मिक्स कर दिया है। और जो थोड़ी सी पैन में लगी हुई सब्जियाँ हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, क्योंकि थोड़ी वैसे भी बच्चे सब्जियां कम खाते हैं, इस बहाने थोड़ी बहुत खा भी लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इनको अच्छे से ऐड कर दिया है, ये मिक्स कर दिया। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गर्म पानी। ये देखिए, ये मैंने हल्का सा गर्म पानी पहले मैंने डाला था 1 टीस्पून, और अब मैंने डाला है इसमें 1 टेबल स्पून। तो अब मैं इस मसाले को, जो हमारे नूडल हैं, ये मैंने स्ट्रेन कर लिए थे और फिर दोबारा से मैंने उसी पैन में इनको रख लिए हैं मिक्स करने के लिए। तो अब मैं इनको अच्छे से जो है मसाले के साथ जो है मिक्स कर दूंगी, जो हमने मसाला बनाया है। ये देखिए, इसको मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन ये हो जाएगा मिक्स 2 से 4 मिनट में। ये अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है। ये देखिए, तो मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसे लगते हैं। जब मैं सर्व करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, ये अब मैं उस बाउल में सर्व कर दूंगी जिसमें मैंने इसका मसाला बनाया था। तो इनकी खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है, बिल्कुल नए स्टाइल के नूडल्स हैं ये। तो आप इस तरीके से एक बार नूडल्स को बना करके ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए, जो नूडल्स हैं वो हमारे बन के तैयार हैं। तो अब हम नूडल्स के साथ जो है, मैं अंडे की भुर्जी जो है वो बनाऊँगी बच्चों के लिए। तो ये देखिए, ये फिर से मैंने गार्लिक लिया है, 4 छोटी कलियाँ गार्लिक की हैं चॉप। और फिर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, 1 हरी मिर्च है बस, हल्की सी कटी हुई। और इसके साथ ही मैं इसको अच्छे से सौते करूँगी, और फिर मैं डालूँगी इसमें जो चॉप किए हुए हैं हमारे ऑनियंस। 1 ऑनियन लिया है मैंने मीडियम, ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि केवल 2 अंडे की भुर्जी बनाऊँगी मैं। थोड़ी सी मैंने इसमें शिमला मिर्च ली है, और थोड़े से इसमें मैं टमाटर भी ऐड करूँगी। अभी पहले ही इसको सौते कर लेते हैं, इसको अच्छे से सौते करते हैं पहले। देखिए, धीरे धीरे सौते हो जाएंगे। अब मैंने इसमें डाला थोड़ा सा कोरिएंडर,
मतलब जो हरा धनिया पत्ता है वो डाला है। इस तरीके से जो बच्चे हैं वो ऑमलेट में भी, मतलब जो भुर्जी है और नूडल्स है उसमें अच्छी खासी जो वेजिटेबल्स हैं वो खा लेते हैं। तो अब ये देखिए मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए, सौते कर दिए, थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट घेरा है हल्का सा, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली है 1 टीस्पून के करीब, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें जो ऑरिगेनो है वो भी ऐड किया है मैंने, ये देखिए ऑरिगेनो ऐड किया है, थोड़ा सा ऑरिगेनो मैंने नूडल्स में भी ऐड किया था जब मैंने नूडल्स का मसाला बनाया था। और ये देखिए ये मैंने अच्छे से जो है मिक्स कर लिए हैं सारे मसाले, जिस और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैंने 2 एग लिए हैं, 2 एग को अच्छे से बीट करके मैंने इस मसाले में ऐड कर दिए हैं पैन में, ये देखिए। और अब 1 मिनट बाद मैं इसको चलाना शुरू करूँगी जिससे कि ये अच्छा सा थोड़ा से नीचे से सिक जाए। ये देखिए बिल्कुल भी इसको मैश नहीं करना है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए। इस तरीके से हमने भुर्जी को तैयार करना है। और फिर से मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है मीडियम गैस पे। अब फिर मैं इसको चलाऊंगी, ये देखिए। तो ये इस तरीके से जो भुर्जी है वो तैयार हो गई है हमारी। अब मैं इस भुर्जी को जो है, जो एग की भुर्जी है वो नूडल्स के साथ जो है वो सर्व करूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत शौक से खाते हैं बच्चे और अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं वेजिटेबल्स भी। और इसमें आपको प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ आपको बहुत अच्छे से जो है बच्चों को मिल जाता है और पेट भी अच्छे से भर जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को